छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ और छूट देने के साथ ही दिन में लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शाम होते ही पुलिस सख्त नजर आ रही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बेवजह घूमते मिलते हैं और जिन पर पुलिस ने शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। बीती रात रायपुर के कई चौक चौराहों पर भीड़ बढ़ते देख खुद एएसपी, सीएसपी और टीआई के साथ पुलिस की टीम सड़कों पर गश्त करती दिखी। इस दौरान पुलिस ने बेवजह बाइक और कार में घूम रहे लोगों को बैरिकेड्स लगाकर रोका। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते हुए लोगों पर पुलिस एक बार फिर से सख्ती करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के सिद्धार्थ चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा चारों ओर बैरिकेड लगाकर अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर लगातार उन्हें कार्रवाई कर रही है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो चाहे वो चार पहिया वाहन हो। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रोककर समझाइश दी जा रही है, वजह पूछा जा रहा है कि किस कारणों से आखिर रात को निकले हुए थे, रात के दौरान निकले हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा जी, से हम पूछते हैं कि सर यहाँ पर फिर से एक बार पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो कोरोना संक्रमण की अवधि में 31 मई तक का लॉकडाउन है, इसमें स्पष्ट वर्णित है कि प्रति रात्रि 7 से प्रातः 7 तक हमें लॉकडाउन का पालन करना है। इस नियम को हम आज यहाँ पर लागू कर रहे हैं। विगत दिनों से जैसे प्रातःकालीन छूटों के कारण लोग जो है अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह निरुद्देश्य घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को हम पहले समझाइश दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, और बार बार जो इनका उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध इस तरह की वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, पुलिस द्वारा इतनी से बताते हुए भी, उसके बावजूद जानकारी देते हुए भी लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर नजर आते हैं लगातार, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर आगे? यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध यातायात की संहिता के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की भी कार्रवाई की जाएगी, 144 का वायलेशन की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दफा 188 के तहत भी गिरफ्तारी का प्रावधान है जिसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर अभी उन्हें रोक कर उन्हें समझाई दी जा रही है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है, कुछ लोगों की चलानी कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी पुलिस की इतनी समझाइश देने के बावजूद भी अगर लोग अन्यथा सड़क पर नजर आते रहेंगे पूर्ण लॉकडाउन के दौरान, तो उनके ऊपर बिल्कुल चलानी कार्रवाई की जाएगी, धारा 188 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। और कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चलिए बात करते हैं लखनऊ की, जहां नाका में